हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सरफेस टैब में दिए हुए एडिट पैनल में, यहाँ पे सरफेस अनट्रिम के बारे में। अब जब आपने कोई एक सरफेस को ट्रिम कर दिया है तो उसको वापस लाने के लिए यहाँ पे है अनट्रिम, ठीक है, सरफेस अनट्रिम। तो कैसे यूज़ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसको पहले ट्रिम कर लेते हैं। तो ट्रिम तो हमने आगे देखा है उसके बारे में। तो यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, उसके बाद सबसे पहले जिस सरफेस से कट करना है या ट्रिम करना है उसको करके उसके बाद एंटर दबा के ये एरिया डिफाइन करता हूँ। तो ये वाला यहाँ पर ट्रिम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब मैं जहाँ पर जाता हूँ सरफेस अनट्रिम में। सरफेस अनट्रिम में जाने के बाद यहाँ पर है सिलेक्ट एजिस ऑन सरफेस टू अनट्रिम, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस व्यू ऑप्शन से तो पहले हम एजिस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये एज आपको एक दिख रही है, ये कौन सी एज है? तो ये वो एज है जिस एज को सिलेक्ट करके हमने ये वाली सरफेस क्रिएट की है। अब उस एज को आपको सिलेक्ट नहीं करना, आपको कौन सी वाली एज को सिलेक्ट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने काटा है, ट्रिम किया है, तो ये जो उसका एज है क्रॉस सेक्शन वाली, वो आपको सिलेक्ट करनी है जहाँ से वो कटी हुई है। देखिए, अब ये आपको यहाँ पे दिखेगी, या फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको थोड़ा टेढ़ा करके आपको यहाँ पे जो यहाँ से जो कटा है वहाँ से आपको उसकी एज फाइंड करनी है। देखिए, अब यहाँ पे ये जो एज दिख रही है वो हमें फाइंड करके एंड दबानी है, उसके बाद आपको करना है एंटर। तो जहाँ से वो कट हुई होगी वो वहाँ से वापस आ जाएगी, ठीक है, या देख सकते हैं आप यहाँ से वापस आ गए। अब अगर आप दूसरा एक कोई कमांड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर अनट्रिम में जाइए आप, उसके बाद सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाइए सरफेस में। अब सरफेस में जाने के बाद आपको कौन सी सरफेस कौन सी सरफेस को आपको सिलेक्ट करना है, तो वो वाली सरफेस जिसको आपने ट्रिम किया है। तो ये वाली सरफेस को मैंने ट्रिम किया है, तो ये वाली सरफेस सिलेक्ट करिए, फिर दबाइए एंटर। तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट वो सरफेस यहाँ पे आ गई, क्योंकि वही यहाँ पे सरफेस ट्रिम हुई थी, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब अगर हम एक नया एग्जांपल ले, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद बीच में एक बनाता हूँ सर्कल। अब मैं यहाँ पे सरफेस लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए सर्कल के, यहाँ सरफेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सर्कल और ये स्क्वायर के बीच में सरफेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम में जाऊँगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये सरफेस सिलेक्ट करके एंटर दबाता हूँ। उसके बाद ये जो सर्कल है उसको आपको उसकी एज सिलेक्ट करनी है राउंड वाली, फिर एंटर दबाता हूँ, फिर उसका अंदर का एरिया, ठीक है, वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अनट्रिम कैसे होता है। देखिए, अब जब मैं यहाँ पे अनट्रिम में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एज सिलेक्ट करनी है, तो जिस वाली एज से आपने काटा है उस वाली एज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एंटर दबाइए, वो वापस आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाइए, तब भी वो आ जाएगी, ठीक है। तो अनट्रिम ऑप्शन यहाँ पे सिंपल है, सो ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।